हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सीखने में व्यस्त होंगे। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग आर्मी जीडी का क्रैश कोर्स कंटिन्यू करेंगे। मैं अमन मैथ सेक्शन के साथ डे 11 में हाजिर हूँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर से लिए हुए हैं, तो डेली बेसिस के तौर पर या लास्ट वीडियो के सेशन पे जो भी क्वेश्चन मैंने कहा ऐसे आज का सेशन होगा। चलिए फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो SICIC से है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो हम इसको फॉर्मूले से नहीं करेंगे, परसेंटेज से करेंगे। देखिए, 16% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार ली गई, लिया कुछ भी कोई भी अमाउंट उधार लिया, ठीक है, और कह रहा बाद में 11,360 रुपए 3 साल बाद लौटाया, यानी कि जितना उसने लिया था और जो भी इंटरेस्ट लगा वो मिला के 11,360 रुपए उसने लौटा दिया। तो आपसे पूछा है कि उधार की रकम कितनी, यानी कि मूलधन कितना। देखिए, एक साल में उसको 16% मिल रहा, 3 साल में कितना मिलेगा, 148%, ठीक है। तो यानी कि 148% वो परसेंटेज है जिसमें मूलधन और प्लस इंटरेस्ट दोनों है, यानी कि साधारण ब्याज और मूलधन मिला के, तो 148% की वैल्यू जो होगी आपकी 11,360 होगी। तो 1% की वैल्यू यानी कि 11,360 बटे 148, 100% होता है कोई भी अमाउंट अपने आप में जो उसने उधार लिया था, तो 11,360 बटे 148 गुणा 100, ठीक है। देखिए, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14 2 6 8, 2 5 10 2 6 12 और 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड कर लेते, 2 3 6 2 7 14, 2 2 4 2 8 16, 2 6 8, यानी क्या आ जाएगा, ये आपका 2840 आ जाएगा और गुणा 100 और बटे 37, यानी कि 2840 में अगर 100 की गुणा करें और 37 से भाग दें तो आपका आएगा 76.76 कुछ आंसर आएगा, यानी कि एग्जैक्ट आंसर नहीं है, पॉइंट में आएगा, लेकिन आंसर ये होगा 7,675 के समथिंग, जो कि उसने उधार लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 7,675। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि संख्याओं पे बेस्ड क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या तथा उसके वितरण का योग कितना है, 17/4 है, तो संख्या बतानी है आपको। देखिए, संख्या मान लेते हैं x और उसका वितरण 1/x हो जाएगा, और इस तरीके से 17/4 सॉल्व करेंगे तो x2 + 1/x आ जाएगा, 17/4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 की गुणा इधर होगी तो 4x² + 4 और इधर आ जाएगा आपका 17x, 4x² - 17x और प्लस 4। देखिए, 4 × 16, 16 के ऐसे फैक्टर करने की मल्टीप्लाई करने पे तो 16 ही आए, लेकिन प्लस माइनस करने पे आपका 17 आना चाहिए। तो देखिए, 4x² - 16 × 16 = 17, तो -16x और -x और प्लस 4 = 0, 4 कॉमन ले लेंगे और x भी, तो x - 4 आ जाएगा, -1 और क्या आ जाएगा, x - 4 = 0, यहां से आएगा 4x - 1 और एक आएगा आपका x - 4 = 0, तो x = 4 आएगा और क्या आएगा, x = 1/4, तो 1/4 तो कोई संख्या होगी नहीं क्योंकि ये इंटीजर में नहीं आएगी, इंटीजर में क्या, x = 4, तो x = 4 वो संख्या है जिसका व्युत्क्रम करने पे और उसी में जोड़ने पे 17/4 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना है, 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 है, ठीक है, यानी कि 7:4 यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है, और परिमाप है 88 सेंटीमीटर, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है, अंतर बताना आपको। देखिए, मेंसुरेशन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैक्सिमम टाइम पूछा गया क्वेश्चन आर्मी जीडी में, ठीक है, ट्रेड्समैन वगैरह हुआ या टेक्निकल हुआ, इस तरीके के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंसुरेशन और फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, ठीक है। देखिए, हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, रेशियो मेथड से करेंगे, क्योंकि रेशियो दिया हुआ। चलिए, 7:4 दिया हुआ आपको, यह है लंबाई और यह है चौड़ाई। देखिए, रेशियो में जो भी कोई वैल्यू दी होती है वो मिनिमम फॉर्म होती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा, 2 7 14 2 6 8, तो बढ़ जाएगा, यानी कि दोनों तरफ से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इसका परिमाप निकालें रेशियो का, तो 7 × 4 = 11 और 11 × 2 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 22 हो जाएगा, यानी कि 22 यूनिट की वैल्यू 88 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 22 × 88। आपसे पूछा लंबाई और चौड़ाई का अंतर, लंबाई है 7 यूनिट और चौड़ाई है 4, तो डिफरेंस कितना हो गया, 3 यूनिट नहीं हो गया, और 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 × 3 = 12 सेंटीमीटर, तो लंबाई और चौड़ाई का जो डिफरेंस है, जो अंतर पूछा आपसे, वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए, सपोज ये जो लिखा हुआ है यहां पे 3.732 - 1.732 × 1.732, इस तरीके से लिखा, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो क्या ये a² - b² का फार्मूला नहीं बन गया, और नीचे a+b बन गया, ऊपर आया a - b और a+b / a+b, ठीक है, ये कट गया आपका, a माइनस बी बचा, a की वैल्यू क्या थी, 3.732 और -1.732, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, 2, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। औसत का क्वेश्चन है, देखिए औसत का एक फॉर्मूला होता है, जब भी हम औसत निकालते हैं किसी भी नंबर्स का तो ऊपर आता है उनका योग और नीचे आती है संख्या, ठीक है। अगर हम औसत में उस संख्या से गुणा कर दे तो क्या आ जाता है, योग आ जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। देखिए 12 लड़कों की औसत जो आयु जो है, औसत आयु है यहाँ पे आयु पढ़ रही है, ठीक है, आयु 10 वर्ष है और उनमें से 11 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 9 वर्ष है। तो 12वें लड़के की आयु क्या होगी, देखिए 12 लड़के हैं औसत आयु कितनी है 10, अगर हम 12 की 10 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा, यानी कि 12 गुणा 10 बराबर 120। ऐसे ही आपसे पूछा उनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 है तो मल्टीप्लाई करते हैं 11 गुणा 9 ये भी योग आ जाएगा। अब देखिए 12 लड़के थे ये 11, अगर घटाएंगे तो एक लड़का आ जाएगा यानी कि जो 12वां होगा उसकी आयु पूछा है तो घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 99 और ये कितना 21 वर्ष आ जाएगा, 21 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो 21 होगा, 12वें लड़के की आयु पूछे तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 21। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।